नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11, गायत्री नगर, नवागाम, डिंडोली, सूरत। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 2 न्याय मंत्री की अधिक जानकारी आपके सामने पेश करूंगा। न्याय मंत्री इस पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन। इनका मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। इनके द्वारा लिखी हुई कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की तलाश में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर सम्राट अशोक शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाता है। शिशुपाल भी अपने न्यायदान का कार्य निष्पक्ष भाव से करता है, पूरी राजा और प्रजा को अपने काम से खुश कर देता है। न्याय का डंका वह बजा देता है। राजाओं के जमाने में राजाओं के न्याय मंत्री के द्वारा न्यायदान का कार्य किया जाता था। जो भी फरियादी आता, राजा उनकी फरियाद सुनकर न्यायदान का कार्य करता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में, लोकतंत्र में, न्यायदान का कार्य करने के लिए स्वतंत्र न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुका कक्षा की न्यायालय आज भी न्यायदान का कार्य करती है। और यह कहानी न्यायदान, न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम करने के लिए दी गई है। तो चलिए छात्र, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली न्याय मंत्री की कहानी की आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोल, बाहर से आवाज आई, एक परदेशी। ऐसी बाहर से आवाज आती है। शिशुपाल दरवाजा खोलते हुए देखते हैं तो उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। वह नव युवक थोड़ा सा मुस्कुराता है और ब्राह्मण शिशुपाल से कहता है, क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल पाएगा? शिशुपाल कहता है, यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाल अपने घर आए हुए अतिथि नव युवक को प्रेम पूर्वक अपने घर में ले जाते हैं, यथा योग्य प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करते हैं। फिर दोनों में उस समय के देश की अवस्था पर बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों ही उस समय के देश के अवस्था पर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत इस तरह होती है। शिशुपाल कहता है, आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की बातचीत से वह नव युवक जरा भी सहमत नहीं था। वह कहता है, दोष निकालना तो बहुत सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत ही कठिन है। अतिथि की बात सुनकर शिशुपाल कहते हैं, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल की बात सुनकर अतिथि कहते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल उस अतिथि को कहते हैं, हाँ मैं अवसर चाहता हूँ। तो अतिथि कहता है, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल कहता है, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। अतिथि कहते हैं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? शिशुपाल पूरे विश्वास के साथ उस अतिथि को कहते हैं कि नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। परदेशी शिशुपाल की बात को सुनकर मुस्कुराता है और कहते हैं, यह बहुत ही कठिन काम है। परदेशी की बात सुनकर और भी विश्वास के साथ शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल की बात सुनकर परदेशी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं पर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल से धन्यवाद देकर उनसे विदा ली और चले गए। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें अपने दरबार में क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी? दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। शिशुपाल को सामने देखकर सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं,
ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल सम्राट की बात सुनकर घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल की बात सुनकर सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं, बहुत ठीक, तो कल से आप इस राज्य के न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोक ने अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट की राजमुद्रा थी और राजमुद्रा देने के साथ ही शिशुपाल अब न्याय मंत्री बन चुके थे। अब राज्य में निष्पक्ष रूप से न्यायदान करने का कार्य शिशुपाल की जिम्मेदारी बन गई। शिशुपाल ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने का काम शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ उनके न्याय और सुप्रबंध की धूम मच गई। उनकी वाहवाह होने लगी थी। लगभग एक महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। वह अपराधी की खोज जी जान से करने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्वयं सम्राट ने ही पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना शिशुपाल के लिए बहुत ही कठिन काम था। क्या करें, कैसे करें? सम्राट अशोक अपराधी है, कैसे कहें? एक ओर वे न्याय मंत्री हैं और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्याय न राजा देखता है, न रंक देखता है, वह तो निष्पक्ष भाव से न्याय करता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने पूछा, सम्राट अशोक न्याय मंत्री से पूछते हैं, अपराधी का पता चला? शिशुपाल जवाब देते हैं, जी हाँ, पता चल गया है। सम्राट अपने न्याय मंत्री शिशुपाल से कहते हैं, तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट की बात सुनकर न्याय मंत्री कुछ रुकते हैं और अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोलते हैं, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ, यही अपराधी है। संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा गुस्से से, क्रोध से लाल हो गया और वह अपनी जगह से खड़े हो गए। सम्राट अशोक गुस्से के मारे सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और गुस्से से अपने न्याय मंत्री शिशुपाल से बोलते हैं, इतना साहस, इतनी हिम्मत तुम्हारी? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुनाई न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। उनको शिशुपाल ने गिरफ्तार कर लिया। न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट अशोक से कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? यह सुनकर सम्राट आश्चर्यचकित हो। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट अशोक न्याय मंत्री से कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था, बदतमीज था। इस तरह का जवाब न्याय मंत्री को देता है। शिशुपाल कहता है, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी। सभा में छन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर राज दरबार में उपस्थित होता है। न्याय मंत्री सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु
अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। एतयं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि न्याय देने वाला व्यक्ति निष्पक्ष भाव से न्यायदान कर रहा है। इस तरह का निर्णय शिशुपाल देता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। जब सारे लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ अब नहीं उठाया जाएगा, ऐसा कहते हैं। सम्राट अशोक अपने न्याय मंत्री शिशुपाल की ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखते हैं और गदगद कंठों से यह कहते हैं, न्याय मंत्री आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट अशोक की इस बात से न्याय मंत्री शिशुपाल पूरी तरह निरुत्तर हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। इस तरह सम्राट अशोक को अपने राज्य के लिए शिशुपाल के रूप में सर्वश्रेष्ठ निष्पक्ष न्यायदान करने वाला न्याय मंत्री मिल जाता है। इस तरह से सम्राट अशोक की खोज पूरी होती है। न्याय मंत्री इस पाठ पर आधारित आज का गृह कार्य इस प्रकार दिया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में जवाब लिखे, आपको यह जवाब लिखकर भेजने हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जय भारत।